श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक वीडियो मैंने पिछले दिनों बनाया था कुब्जिका मंत्र पर, उसमें मैंने बताया था माँ भगवती देवी काली के तीन रूप में पूजा होती थी। उसमें वो रूप थे जो कि तंत्र सिद्धि में प्रयोग होते थे। आज मैं आपको माँ भगवती देवी काली के पांच रूपों का बीज मंत्र बताऊंगा। पांच बीज मंत्र, पांच रूप माँ भगवती देवी काली का। सिर्फ एक गुह्या काली का मैं बीज मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पांच बीज मंत्र है दक्षिण काली का, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को हर जगह मिल जाता है, श्यामा काली का, भद्र काली का, शमशान काली का और महाकाली का। तो ये जो है ये काली माता के रूप है। टोटल छः रूप होता है, जिसमें कि एक और गुहिया काली आती है। ठीक है, इन सब रूपों का अलग अलग अपना प्रभाव है। और आज जो मैं मंत्र दूंगा वो गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ इसका जाप कर सकते हैं। देखो, माँ भगवती का कृपा प्राप्त होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। एक तो माँ का पूजा, जो रोज़ का पूजा विधान है, जो माँ को जो चढ़ावा चढ़ता है, जो मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया है, वैसे माँ का रोज़ पूजा करना चाहिए। माँ का कलश हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा ध्यान करना चाहिए माँ भगवती पर। इन चीज़ों के बाद जो आखिरी चीज़ आती है वो है जाप। तो माँ भगवती का अलग अलग रूप में अलग अलग जाप होता है। मंत्रों को मैं भी एक एक करके आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बीज के अंतर से भगवती का स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, अब एक विषय और इसमें, अभी जब काली का मंत्र हम आपको बताएंगे तो आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि क्लिम होगा कि क्लिंग होगा, तो मैं आपको इसमें एक विषय बताता हूँ, सौभाग्य दुर्भाग्य जो माने इसको, लेकिन तंत्र के किसी भी पुस्तक में, भले हिंदी में आपको कुछ बताया जाता है कि इसको मौ का उच्चारण करें, बहुत जगह आपको उसको जैसे क्लिंग का उच्चारण करेगा, तो ऐम ह्रीम क्लिम बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो गुरु परिवार में आपका या जिसके मुख से आपने मंत्र लिया है वो उसी रूप में आपको पढ़ना होता है। अगर आप मुझसे मंत्र ले रहे हैं तो मैंने आपको मंत्र दिया क्लिम, तो आपके लिए मंत्र क्लिम ही रहेगा, आप उसको क्लिंग नहीं पढ़ेंगे। क्लिंग तब जब मैंने कोई प्रयोग आपको क्लिंग के रूप में उसका बताया। ठीक है, तो ये समझ ले कि जो बहुत तरह का व्याख्यान माला होता है कि क्लिम होगा कि क्लिंग होगा, वो संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहीं भी लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है कि कहाँ पर क्लिम और कहाँ पर क्लिंग का प्रयोग होता है, क्लिंग का प्रयोग होता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गुरु परिवार गुरुमुख ये समझ लीजिए आप। अब शुरू करते हैं हम लोग मंत्र। सबसे पहले दक्षिण कालिका का मंत्र, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम दक्षिण कालिके, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम स्वाहा। ये दक्षिण कालिका का जाप मंत्र है, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम दक्षिण कालिके, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम स्वाहा। दूसरा, जो घर में मैं पूजा करने बोलता हूँ, श्यामा माई का, श्यामा काली का, उनका मंत्र क्या है? उनका मंत्र है क्रिम 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 हुम हु ह्रिम ह्रिम दक्षिण काली के, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम स्वाहा। देखो, दो तीन बीज अक्षर बदले और दक्षिण कालिका का मंत्र श्यामा काली का मंत्र हो गया। फिर से सुनो, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम दक्षिण काली के, क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम स्वाहा। ये श्यामा माई यानी दक्षिण कालिका का जाप मंत्र है। श्यामा माई भी दक्षिण कालिका का रूप है, उनका श्याम रूप, श्याम वर्ण जो घर में पूजा करते हैं उनका ये मंत्र है। अब भद्र काली का मंत्र सुनिए, क्लिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम भद्र काले, क्लिम 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 हुम हुम ह्रिम हिलिम स्वाहा। देखिए, ध्यान से सुनिए, क्लिम 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 हुम हुम
रिम रिम भद्र काले क्लिम 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 हुम हुम रिम लिम स्वाहा। इसके बाद एक लाइन और है, होम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा, ये अंत में भद्रकाली के मंत्र में आप जोड़ेंगे। चौथा स्वरूप शमशान काली का, क्रिम 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 हुम हुम रिम रिम शमशान काली क्रिम 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 हुम हुम रिम रिम स्वाहा। इनके अलावा इनका एक और मंत्र है, एम ह्रीम श्रीम क्लिम काल्यै एम ह्रीम श्रीम क्लिम, ठीक है। और महाकाली का मंत्र, महाकाली का मंत्र मतलब सबसे ऊपर दस महाविद्या की भी जो ईष्ट है वो है महाकाली। इनका क्या मंत्र है, इनका मंत्र है क्रिम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रिम क्रिम हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा ओम फ्रेम फ्रेम क्रोंग पूषण गृहान हुम फट स्वाहा, ठीक। तो आपने देखा कि माँ भगवती देवी काली के अलग अलग मंत्रों में अलग अलग बीज लगा, मतलब आपने क्रिम देखा, आपने क्लिम देखा, आपने ह्रीम देखा, आपने हिलिम देखा, आपने होम देखा, होम महाकाल का भी मंत्र है। तो ये एक और विषय का जवाब होता है कि जब आप मंत्र का प्रोनंसिएशन गलत करते हैं तो आपको फल कैसे मिल जाता है, क्योंकि एक स्वरूप का बीज थोड़ा थोड़ा अंतर करके उनके अलग अलग स्वरूपों को दर्शाता है। जैसे आपने अभी छः बीज देखे, छः काली का रूप देखा, पांच का मैंने आप लोगों को बीज मंत्र बताया, और एक एक बीज मंत्र का किसी ना किसी प्रोनंसिएशन में अंतर होने के चलते वो किसी और देवी भाव का प्रतीक हो जाता है, मंत्र हो जाता है, और उस देवी की आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। देखो, जो प्रोनंसिएशन पे बहुत ज़्यादा जीच होती है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को एक चीज़ कि बहुत बार साधक जब साधना शुरू करता है ना तो हो सकता है कि उसका बीज गलत हो, लेकिन जिस तरीके से वो ध्यान करता है, पूजा करता है ना, और जब उन पे देव कृपा आने लगती है तो धीरे धीरे उनका मंत्र जो है वो खुद ब खुद सही होने लगता है। अगर आप साधक हैं, आपने इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई बीज अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो चाहे तो किसी माध्यम से वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपने गलत बीज पढ़ा है, या फिर आप पढ़ते पढ़ते आपके बीज के उच्चारण में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ये पांच बहुत महत्वपूर्ण बीज हैं जो कि आप रोज़ 108 बार जाप कर सकते हैं। आप किस काली की साधना करना चाहते हैं ये आप पर है, मैंने पांच काली की साधना बता दी, सबका अपना अपना कार्य है। दक्षिण काली तांत्रिकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्यामा काली को घर में जो रहते हैं वो पूजा कर सकते हैं, भद्र काली भी घर में रहने वाले लोग जिनको तंत्र से मतलब नहीं है वो उनकी पूजा करें, शमशान काली तांत्रिकों के लिए, महाकाली सबके लिए। तो आज के लिए इतना ही, विषय को विराम देता हूँ। माँ काली आप लोगों पर हमेशा कृपा बरसाए रखें। जिनको साधना का बेसिक सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431185585। डायरेक्ट बात करने के लिए आप कॉल यू फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें rudna.cm4 ये मेरा आईडी है, इंडिया कनाडा और यूएसए से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट www.aghortantras.xyz पर भी आपको मुझसे बात करने का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, माँ भगवती देवी काली आप लोगों पर आशीष बरसाते रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।